नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो कि बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे और वो प्रोटीन से भरा नाश्ता भी रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक बाउल में हम 4 चम्मच से 5 चम्मच पहले मैदा लेंगे, फिर कॉर्नफ्लोर लेंगे सेम 5 चम्मच, उसके बाद हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालें, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बारीक कट किया हुआ प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च बारीक कट किया हुआ, गाजर, धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च, टमाटर बारीक कट किया हुआ डाल देंगे। अब पानी डाल करके इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हम कितना सारा सब्जी डालें, इतना सब्जी अगर बच्चे को ऐसे दीजिएगा तो बच्चे नहीं खाना चाहेंगे, पर इसी को अब अगर आप अच्छे से बना के देते हैं तो बहुत ही प्रोटीन से भरा रहेगा। तो इसे हम मिला दिए, नमक और डाल दिए, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दिए। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ओरिगेनो ताकि थोड़ा सा पिज्ज़ा का टेस्ट भी आए। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हम घोल करके तैयार कर लेंगे। अब हम स्लाइस ब्रेड ले लिए हैं 5, तो हम तवा ले लिए, उस पर थोड़ा सा रिफाइन डालेंगे, इसे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम 2 ब्रेड रखेंगे और गैस का जो फ्लेम है पूरा लो रखना है ताकि ब्रेड हमारा जले नहीं। अब इसके ऊपर जो हम बैटर तैयार किए हैं ये प्रोटीन से भरा, इसे फैला देंगे अच्छे से। आप अगर इस तरह बना के देते हैं तो बच्चे ब्रेड का वैरायटी पसंद से भी खाते हैं, प्लस साथ में फ़ायदा भी करेगा क्योंकि बहुत ही कम तेल में हम इसे बनाने वाले हैं और इतना सारा सब्जी भी बच्चे आराम से खा जाएंगे। तो दोनों ब्रेड पर हम अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए बस ढकेंगे ताकि थोड़ा सा सब्जी हमारा पक जाए। तो बस 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे आराम से। कॉर्नफ्लोर मैदा होने की वजह से थोड़ा टाइट हो जाता है तो गिरता नहीं है सब्जी, इसलिए थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ा। तो अब इसे अलग से भी हम फिर ऊपर से फैला देंगे। देखो ब्रेड कितना क्रिस्पी हमारा हो चुका है, तो इसके ऊपर अब सब्जी फैला देंगे अच्छे से बैटर को। अब फिर से हम थोड़ा सा रिफाइन डालेंगे और इसे फिर 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि इधर से भी सब्जी हमारा पक जाए। तो बच्चे थोड़ा भी मतलब खाने टाइम में उसको पता ही नहीं चलेगा कि इतना सारा सब्जी डाला हुआ है, इतना प्रोटीन से भरा ये नाश्ता जब आप अपने बच्चों को देंगे खाएगा भी पसंद से, प्लस उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अब उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे आप पलट ले, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अब हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर से हम 3 ब्रेड का भी एक तवा पे आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरह हम फैला देंगे 3 ब्रेड पे और थोड़ा रिफाइन डाल देंगे और इसे भी हम ढक देंगे और 2 मिनट बाद बस पलटेंगे फिर से दे करके आराम से। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। तो आप नाश्ता में या बच्चों के टिफ़िन में ये आप बेहिचक बना के दे सकते हैं कि ब्रेड हमारे बच्चे के लिए खराबी करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम इसे प्रोटीन से भरा हुआ बना रहे हैं। इतना सारा सब्जी जब खाएगा तो ब्रेड कोई भी खराबी नहीं करने वाला है बच्चों को। तो ये देखिए हमारा उल्टा सैंडविच बन करके तैयार हो गया। तो इसे हम 20 से कट कर लेंगे। तो ये देखिए बीच में थोड़ा सा ब्रेड और नीचे ऊपर सब्जी का लेयर जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे या तो बड़े आकार में रहने दें या 2 टुकड़ा और कर सकते हैं, 1-4 पीस। तो अब ये हमारा तैयार है। तो आप इसे टोमेटो सॉस के साथ या कोई भी अपनी पसंद की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
तो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरा ये नाश्ता आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या घर में भी आप इसे बना करके सर्व कर सकते हैं। बच्चे के साथ ये बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्दी रहेगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज किए हैं। आप चाहे तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।